कलेक्टर ने किया वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण। सिमरिया मोहिंद्रा पवई के शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचे कलेक्टर संजय मिश्रा। मीडिया के माध्यम से कहा, कोरोना से बचाव के लिए जिंदगी की दवाई यानी वैक्सीन लेना जरूरी। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने सिमरिया मोहिंद्रा पवई में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को किए जा रहे वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रथम चरण में शैक्षणिक संस्थाओं में चल रहे इस अभियान में कलेक्टर ने पवई के कन्याशाला हाई सेकेंडरी स्कूल सरस्वती स्कूल पहुंचकर टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। बच्चों का टीकाकरण अभियान जारी है, इसमें माता पिता की जिम्मेवारी भी बनती है कि बच्चों को प्रोत्साहित कर उनकी जिंदगी सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि दैनिक दिनचर्या में अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। कोरोना से बचने का प्रथम उपाय मास्क ही है, सभी लोग मास्क का उपयोग करें। उनके साथ SDM कौशल सिंह गौतम, PO संजय सिंह, तहसीलदार ज्योति राजपूत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वर्ष की आयु के सारे बच्चों को टीकाकरण हम लोग को लगाना है। इसके लिए सबसे पहले हमने टारगेट किया कि जो बच्चे स्कूल में प्रवेश रहते हैं 15 से 18 साल उनकी उम्र है, यानी 31 दिसंबर 2007 के बाद पैदा हो गए, ऐसे सारे बच्चों को लिस्टिंग करके हर बच्चे को वैक्सीनेट करना। कोवैक्सीन हम पहली डोज लगा रहे हैं, सेकेंड डोज 28 दिन बाद लगेगी कोवैक्सीन की, और कोरोना की जो तीसरी लहर जब आ चुकी है उसको मद्देनजर रखते हुए सारे बच्चों को बहुत जल्दी हमको वैक्सीनेट करना है। इसलिए अभियान पूरे जिले में चल रहा है। पन्ना जिले में लगभग 70% बच्चों को वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। आज जो बचे बच्चे सबको हम 70% वैक्सीनेशन हम लोग कर ले जाएंगे। इसके अलावा 10 तारीख से 60 प्लस के उम्र के ऐसे लोग जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है या उनको कोई और बीमारी है, उनको भी प्रिकॉशन डोज लगनी है, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दोनों तरीके से सबको 100% वैक्सीनेट करके सबको सुरक्षित रखना है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।